आज अपन ग्रेट टर्मिनोलॉजी है जो कि लोड फैक्टर या लोड कैलकुलेट करने में काम आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन अपना पहला टर्म कहते हैं कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड क्या होता है कि किसी भी सिस्टम से जितने भी इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं उन सभी इक्विपमेंट्स की जो कंटिन्यूस रेटिंग का योग ही क्या कहलाता है उनको कनेक्टेड लोड कहलाता है। तो ये क्या होता है सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू सप्लाई सिस्टम। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अपने पास सप्लाई सिस्टम है या आपका ट्रांसमिशन है तो ये आपका कंज्यूमर के लिए लोड है, ठीक है। तो इस कंज्यूमर के पास क्या है मान लीजिए कि आपके 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और 2 किलोवाट की क्या है इसके पास एक मोटर है, ठीक है, और 1000 वाट क्या है मान लीजिए कि इसके पास ये हीटर है। अभी अपन तीन ही इक्विपमेंट लेके चल रहे हैं तो इस सप्लाई सिस्टम के लिए जो कनेक्टेड लोड है वो ये है। तो इनके सब की कंटिन्यूस रेटिंग योग ये कर लगेगा अपना टोटल कनेक्टेड लोड। तो अगर हम बात करें तो पास के बाद क्या कितना होगा 500 वाट ये दो है आपके लिए आपके मोटर है और ये एरिया अगर आपका क्या हो गया रूम में भी कर टोटल लोड कितना हो गया ये अपना टोटल कनेक्टेड लोड 3500 वाट का क्या हो गया टोटल कनेक्टेड लोड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी आती है मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या है अपनी कि किसी भी पावर स्टेशन या पावर प्लांट को एक निश्चित समय अवधि के दौरान मेन मांग होती है कि मेन मांग जिसे जो उच्चतर मांग है उसे क्या बोलते हैं अपन मैक्सिमम डिमांड। तो अगर अपन सेकंड टर्म में मैक्सिमम डिमांड तो मैक्सिमम डिमांड को अपन अगर डिफरेंशियल टर्म में देखें तो क्या होगा कि किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न मांगों में से उत्तम मांग जो कि उन सभी मांगों में क्या है मैक्सिमम है उसी में क्या होगा अपन मैक्सिमम डिमांड करेंगे वही क्या होगी अपनी मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ के नाम से मैक्सिमम डिमांड
देखेंगे वो क्या होगा अपनी क्या होगा जो भी सिस्टम के मैक्सिमम डिमांड है अगर इसको अपन कंटेंट लोड से कर दें डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा डिमांड फैक्टर। इसके बाद अब आता है एवरेज लोड कि एवरेज लोड या औसत भार क्या होता है। तो अगर अपन इसका परफॉर्मेंस लेके आते हैं आपका एक निश्चित समय अंतराल डायवर्सिटी फैक्टर
किसी भी प्लांट या पावर स्टेशन के लिए जो डिफरेंट मोड के द्वारा जो डिफरेंट मेजर डिमांड्स है उन सभी मेजर डिमांड्स का जो डिवाइडेड बाय उन सभी डिमांड्स में जो भी मेजर डिमांड है उसकी वैल्यू पर डिवाइडेड कर दिया। तो डायवर्सिटी फैक्टर हमेशा क्या आएगा आपका, अगर डायवर्सिटी फैक्टर तो फैक्टर में वन आएगा। कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि अब मेरा कोई जनरेटिंग स्टेशन है इससे डिफरेंट डिफरेंट लोड कनेक्ट है, ठीक है। अभी मैं तीन लोड ले रहा हूँ, तीन लोड की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए इस लोड के द्वारा पूरे एक्सट्रीम में मैक्सिमम डिमांड रही 70 मेगावाट, इस लोड के द्वारा पूरे बिल्डिंग जो मेजर डिमांड है वो 70 मेगावाट, और इस लोड के लिए मेजर डिमांड है मान लीजिए 40 मेगावाट, ठीक है। अब अगर हमको डायवर्सिटी निकालना तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार अपन थोड़े के अपन चल रहे हैं, क्या होगा अपना पावर स्टेशन की विभिन्न स्थानों का योग, 70 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय अब इन विस्तृत मैक्सिमम डिमांड वो कितनी होगी, विद्यार्थी को क्या हो रहा है अगर यूनिट के लिए तो ग्रेटर देन 1 है। इसलिए डायनामिक कैपिटल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट अपन बात करें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये क्या होता है आपका एक्चुअल प्रोड्यूस्ड ये जनरेटेड एनर्जी तो होगा यूनिट मैक्सिमम पॉसिबल जनरेटेड एनर्जी, मतलब क्या है इसका कि अपन किसी एक निश्चित समय के बाद में कितनी रिजर्व रूप से बना रहे हैं और कितनी उसको अगर अपन डिवाइड कर देंगे कि कितनी अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका कि मान लीजिए अगर अपन 100 मेगावाट का है अपना प्लांट है पावर स्टेशन है ठीक है। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में मान लो कि ये प्लांट चला रहा मान लीजिए 10 घंटे के लिए, ठीक है। 10 घंटे के लिए प्लांट चला और 10 घंटे में मान लो इसने बनाए यूनिट कितने बनाए, 10 घंटे में मान लो इसने बनाए 60 × 10³ यूनिट्स, ठीक है। और ये बनाना क्या है, ये कितने के लिए
100 मेगावाट। तो यहां पर कितनी क्षमता है पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी बना सकता है पूरे दिन में 100 मेगावाट 24। तो यहां से अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी अपनी कैपेसिटी मान लीजिए आप कितनी है 100 मेगावाट है प्लांट की कैपेसिटी, ठीक है। उसने जनरेट 100 मेगावाट की बात कर रहे थे, एक दिन में कितनी जनरेट कर सकता है, इसको अगर अपन 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहां से अगर अपन कैलकुलेट करें प्लांट लाइफ डिजायर जो कि अपना हिंदी में बोला तो क्या हुआ उपयोगिता गुणांक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब प्लांट ने कितनी ऊर्जा एक दिन में बनाई डिवाइडेड बाय उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और उसे एक दिन में कितने घंटे उसको अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो अपने क्या मिल जाएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी प्लांट कैपेसिटी कि प्लांट कैपेसिटी होती क्या है, थोड़ी स्किप कर देते हैं उनको देख लेते हैं। प्लांट कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी क्या होगी, किसी जनरेटिंग स्टेशन या पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता ठीक है, मतलब कि कितनी एनर्जी को अधिकतम या मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन प्लांट कैपेसिटी। इसके बाद टाइम है अपना रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी के बारे में प्लांट कैपेसिटी माइनस ठीक है। तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है आपकी प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम किसी हर किसी प्लांट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्या होती है रिजर्व कैपेसिटी। तो
जैसे अपन सपोज बात करें कि 200 मेगावाट का कोई पावर स्टेशन है और उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, आएगी 160 मेगावाट। ये तो क्या हो गया, सिटी हो गई डिमांड बाय सिटी और उस स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड क्या हो गई आपकी 160 मेगावाट। तो रीजन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आर से इज इक्वल टू रीजन कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस रिजर्व कैपेसिटी। तो यहाँ से आपकी रिजर्व कैपेसिटी कितनी आ गई 40 मेगावाट। तो इसको क्या कर सकते हैं, रिजर्व कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं प्लांट कैपेसिटी में से मैक्सिमम डिमांड को घटा कर। तो ये आपने क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो कि इसमें यूज करते हैं। पावर प्लांट डिजाइन में आप लोड या लोड फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में आज हमने इस सेशन में पढ़ा। थैंक यू।